सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं असम रैफल्स भर्ती 2023 बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट आ चुकी है। कैसे फॉर्म अप्लाई करना, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी है, क्या अप्लाई करने का प्रोसेस है और कौन सी भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या पोस्ट होगी, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। क्या लास्ट डेट है और क्या अप्लाइंग करने का डेट है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय लेते हुए। अगर आप देख रहे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। सो गाइज, असम रेफरल कांस्टेबल की न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी डिटेल्स के बारे में। कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, 7000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है, यानी कि 7000 पदों के लिए नोटिफिकेशन है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इसके और भी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7000 पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। जॉब के लिए डिफेंस जॉब आपको देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया होने वाली है और एग्जाम लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों है, यानी कि महिला पुरुष दोनों इसके अंदर आवेदन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पोस्ट नेम की बात करें यहाँ पर तो आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिलेगा, तो पोस्ट यहाँ पर जो है वो 6 तरीके के पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इंजीनियर इक्विपमेंट लाइन मैन और इलेक्ट्रिकल फिटर, पर्सनल असिस्टेंस, क्लर्क, ब्रिज एंड रोड, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर यहाँ पर पोस्ट। अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड है। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 48000 से स्टार्टिंग है, आपको 69100 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो 100 पे करना पड़ेगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। वहीं एसटीएससी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और भी बहुत सारे फ़ी पेमेंट मोड यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अंदर जो आपसे मांगे जा रहे हैं वो एज लिमिट, आपका कितना एज लिमिट होना चाहिए, तो मिनिमम एज लिमिट जो होना चाहिए वो 18 ईयर और मैक्सिमम की बात करें 23 ईयर। अगर ओबीसी से हो तो यहाँ पर 26 मैक्सिमम है और एसटीएससी के लिए 28 मैक्सिमम है। वहीं एज रिडक्शन आपको देखने को मिल रही है, एसटीएससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। पोस्ट की बात करें तो 7000 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर यहाँ पर हाइट जो, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर जो मांगी जा रही है, तो मेल के लिए हाइट जो 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो है वो 15 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रनिंग टेस्ट होगी वो 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर और 800 मीटर रनिंग करना पड़ेगा वो भी 4 मिनट के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी जा रही है इसके अंदर यहाँ पर 10वीं पास, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कितना भी परसेंटेज हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसेस होने वाले शॉर्ट लिस्टिंग, फिजिकल, रिटर्न और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, हॉट टॉप लेकर के यहाँ पर दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देखकर आवेदन कर सकते हो। कब से स्टार्टिंग है, तो 25 फरवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, 7 मार्च 2023 तक चलेगी। तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया, बहुत सारे बच्चों का अप्लाई हो भी चुका है। अगर आपने नहीं किया तो अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। अप्लाई कहाँ से करना है, तो आपका अप्लाई यहीं से होगी, डाउनलोड नोटिफिकेशन भी यहीं से होगी, तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा सकते हो या फिर गूगल पर सर्च करना sarkarigovernmentvacancy.com चले जाना और यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, यहीं से आपका अप्लाई भी हो गया। तो बस वीडियो एंड करते हैं, तो जय हिंद जय भारत।